वो वेलकम टू द क्लास वो वेलकम टू सीबीएसई स्पेशल दैस इस प्रियर अग्रवाल योर मैथ्स एजुकेटर वेलकमिंग इज एंड एवरीबारी आउट देयर तो क्या हाल चाल भाई कैसा चल रहा है सबको जाए नो सब कैंप स्टार्ट हो गया है सुपर एक्साइटमेंट एंड सुपर जोश है सब में तो देवर इस तो फर्स्ट वीडियो ऑफ व Yes, just in 20 seconds, everybody. And this is my guarantee. Right after watching this video, जैसे आप ये वीडियो देख लोगे खत्म हो जाएगा एक बार ट्रिक समझ में आ जाएगी तो आप लोग 20 सेकेंड से भी कम टाइम में किसी भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर पाओगे मैम आई यू सीरियस ये आई आप लेट सी दीडियो फर्स्ट एक बार जल्दी से वीडियो देख लेते हैं एक बार जल्दी से ट्रिक सीख लेते हैं जिससे हमें विश्वास हो जाए कि हम भी

कंसंट्रेशन की जरूरत है भाई दूसरा मटेरियल जो हमें चाहिए दैट इज कंसंट्रेशन एंड द थर्ड वन इज नो कैलकुलेटर तो क्या ये मटेरियल्स आप लोगों के पास होंगे आर यू गाइस रेडी विद दीस मटेरियल्स नहीं हो तो जल्दी से जाओ और इस मटेरियल्स के साथ रेडी हो जाओ

एंड दिस इज माई गारंटी एवरी बारी सो आलरेडी गेट स्टार्ट एवरी वन क्या आप सभी लोग तैयार है कर सकते हैं आज का सेशन लेट गेट स्टार्ट एवरी बारी सो

ट्रिक इन बेटर वे ताकि आपको ये ट्रिक और ज़्यादा बेटर वे में अच्छे तरीके से आ जाए तो so, वन का स्क्वायर इज वन वी नो अबाउट इट ना वन फोर ट्वेंटी

25, uh, 625 स्क्वायर इज एवरीबॉडी सिक्स ट्वेंटी ये स्क्वायर्स हैं आपको जो ऑन योर टिप्स बिल्कुल लर्न होने चाहिए ताकि हम जो अभी ट्रिक सीखने वाले हैं उसमें आपको कोई भी रुकावट या कोई भी समस्या ना आए तो क्या हम सभी लोग तैयार हैं आर वी ऑलरेडी फॉर द ट्रिक एवरीबॉडी

राइट right, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन फर्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको कुछ तीन चीजें मैं बताने वाली हूं ये चीज ध्यान रखना आप मोर देन अ बेस यहां पर हम बेस को लेकर चल रहे हैं 100 एवरीवन आई रिपीट यहां पर हम बेस को लेकर चल रहे हैं दैट इज 100 मतलब जो भी अभी हम नंबर्स देखने वाले हैं जो तो भी हम नंबर्स देखने वाले हैं उनमें जो बेस होगा जो बेस वैल्यू हम लेने वाले हैं उसको हंड्रेड लेने मैम वॉट इज बेस वैल्यू अभी मैं बताऊंगी क्वेश्चन कर दूंगी सॉल्व तो आपको फट से आराम से सॉल्व हो जाएगा और ये जो क्वेश्चन है ये मोर देन द बेस है अभी हम वो वाली स्क्वायर ट्रिक सीखने वाले हैं जो हंड्रेड से मोर I repeat, अभी हम वो वाली सीखने सीखने वाले हैं, उन numbers की लेकेर तक मतलब आप सेवेंटी फाइव से लेकर वन ट्वेंटी फाइव तक के स्क्वायर्स आज हम इस छोटी सी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं आपको

है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कुछ भी नहीं किया है बेस हमें हंड्रेड लेना है और जो भी नंबर है उसको हंड्रेड में ऐसे ब्रेक कर देना है तो हंड्रेड एंड एट को हमने ब्रेक कर दिया हंड्रेड प्लस एट नाउ द नेक्स्ट स्टेप दिस इज योर स्टेप वन स्टेप वन हो गया अब चलते हैं स्टेप टू की तरफ

मैम वॉट नेक्स्ट स्टेप थ्री लास्ट एंड फाइनल स्टेप एवरीबॉडी स्टेप थ्री से ये जो नंबर आपके पास है ना एट ये जो नंबर आपके पास आया है अब क्या करना है आपको ले जाके इस नंबर को जो आपका एक्चुअल में क्वेश्चन था उसमें जाके उसको ऐड कर देना है यहां पर ये प्लस एट था स्टेप थ्री क्या कहता है आपका जो हंड्रेड एंड एट है उसमें जो भी आपका बेस के बाद वाला जो नंबर है बेस के बाद वाला नंबर इज पर आपने एट को एड किया है यहां पर आप ले जाके एट को एड कर देंगे जब आप ले जाके एट को एड करेंगे वॉट यू विल बी गेटिंग एवरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग हंड्रेड एंड सिक्सटीन राइट 116 एवरीवन इट्स सी हियर 116 सो so, अभी रुको लेट मी मेक माय सेल्फ लिटिल स्मॉलर ओके 116 दिख रहा है आप सभी लोगों को अब क्या करना है इस 116 को उठाना है और 64 के बाद में लिख देना है क्या करना है इस 116 को उठाओ सभी लोग एंड राइट इट हियर एवरीबॉडी एंड दिस इज योर फाइनल आंसर मतलब वी कैन से

8 का स्क्वायर लिख दो 64 अब जो आपने प्लस 8 किया है उसको आप अपने एक्चुअल नंबर जो आपका ओरिजिनल नंबर था उसमें ले जाके ऐड कर दो तो 108 दिस वाज योर स्टेप थ्री लेट मी राइट हियर ये आपका स्टेप थ्री का स्टेप था 108 प्लस 8 जब आप कर दोगे आपके पास आ जाएगा 116 116 को ले जाके ये जो 116 आया ये आया 108 प्लस 8 और आपको बस ले जाके इसको यहां लिख देना है एंड योर आंसर इज 108 का जब आप स्क्वायर करेंगे यू गाइस कैन यूज योर कैलकुलेटर और आप चेक कर सकते हो अब आप चेक कर सकते हो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे अगर कोई भी दुख तकलीफ होगी तो वो भी बिल्कुल ऐसे छू अंतर होने वाली है ध्यान से देखेंगे सभी लोग कोई भी कंफ्यूजन हो जस्ट स्टॉप एंड एवरी बारी सो लेट मी टेक इट हंड्रेड एंड सेवन है हंड्रेड एंड सेवन का स्क्वायर अभी वही सेम स्टेप करेंगे हंड्रेड एंड सेवन को वी कैन राइट हंड्रेड प्लस सेवन एवरी वन

एक बार ध्यान से स्ट्रिक को देखो कोई भी कंफ्यूजन है कोई भी डाउट है आप मुझे बता सकते हैं प्रियो मैम विल गोन लव टू क्लियर अप योर डाउट कोई भी कंफ्यूजन है कोई भी डाउट है जस्ट स्टॉप एंड आई वुड लव टू क्लियर इट आप क्या किया मैम ने ध्यान से समझो हंड्रेड एंड सेवन को हमने ब्रेक करा हंड्रेड प्लस सेवन में Alright, फिर हमने 7 का का कर कर दिया, 7 का स्क्वायर विल 49, अब ये 7 ले जाके 107 में वापस से कर दो, दो, को यहां पर लिख और बहुत ट्रिक है एवरी बार आई गेस सभी को समझ में आ गया है, कोई दिक्कत कोई दुख तकलीफ कोई प्रॉब्लम तो बता दो आई वुड लव टू क्लियर अप योर एवरीबॉडी सभी को clear है कोई दिक्कत नहीं है कोई डाउट नहीं है पक्का अमेजिंग इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं लेट्स मूव फर्दर एवरीबॉडी एंड हियर यू गो 102 स्क्वायर हाउ वी कैन राइट दिस अप एवरीवन इसको हम कैसे लिख सकते हैं वन होल स्क्वायर को हम ब्रेक कर सकते हैं हंड्रेड प्लस टू ध्यान से देखना बच्चा वेरी इजी हमेशा आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी आप स्क्वायर लिखो तो वो टू डिजिट नंबर होना चाहिए लाइक थ्री डिजिट चलेगा वन डिजिट नहीं होना चाहिए अभी हमें बताए टू का स्क्वायर हमें फोर देता है लेकिन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे वी विल गोन राइट एड जीरो फोर

सो वॉट वी विल सेवरी बारी चलो जल्दी से बताओ ईजी लग रहा है या नहीं लग रहा है इट इज डिफिकल्ट और इजी एवरी वन समझ में आ रही है चीजें कोई दिक्कत वाली बात कोई कंफ्यूजन वाली बात तो आप मुझे बता सकते हो प्रियल नाम गौना लव टू क्लियर आप ऑल योर डाउट एवरी बारी फास्ट अपजी लग रही है इंटरेस्टिंग लग रही है ट्रिक कोई दिक्कत वाली बात नहीं कोई डाउट वाली बात नहीं कुछ है तो बता दो मैम इज इज हियर टू क्लियर अप ऑल योर द स्क्वायर फॉर एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं कोई दिक्कत होगी तो अभी क्लियर हो जाएगी वन जीरो वन का होल स्क्वायर हाउ वी कैन राइट इट हंड्रेड प्लस वन वेरी इजी देखना कितनी जल्दी आ जाएगा जीरो वन वन को ले जाके एड कर दो यहाँ पर वन जीरो टू टेंट का स्क्वायर इज इतना जल्दी सॉल्व करने का कभी सोचा ना आप क्या करते वन जीरो तब ले जाकर आपका आंसर आता बट इस ट्रिक की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को विद इन सम सेकेंड सॉल्व कर दिया एवरीबॉडी राइट लेट्स मूव टूवर्ड्स अनदर क्वेश्चन एग्जाम्पल देखते हैं जिससे और बेटर वे में और अच्छी तरीके से आपको इसको समझ में समझ में आएगा Let's move towards 109. Let's see हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं कोई 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 दिक्कत नहीं, कोई problem नहीं, कोई doubt नहीं. Write everyone. अब क्या कर सकते हैं देखो नाइन का स्क्वायर लिख दो व्हाट इज स्क्वायर एवरीवन हमें पता है 9 का

कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कोई डाउट है तो मैं अभी आप सभी का डाउट क्लियर कर देती हूँ फास्ट वन वन एट एट वन इज द करेक्ट आंसर दैट इज द स्क्वायर ऑफ स्क्न जीरो दिस ट्रिक बहुत ही मजेदार ट्रिक है अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जरूर शेयर करना लेकिन अभी एक और क्वेश्चन करके देखते हैं टू वाली रेंज का हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन हंड्रेड एंड एटीन हंड्रेड एंड सेवनटीन इस तरीके का कुछ करके देखते हैं है ना देखो आ गया हंड्रेड एंड ट्वेल्व का स्क्वायर अभी इसका कैसे करेंगे हंड्रेड एंड ट्वेल्व का स्क्वायर हाउ वी कैन सॉल्व दिस अपरी वन ध्यान से कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है भाई मेरे से पूछ लेना बता देना कमेंट में लिख देना हम इसको किस तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं 100 प्लस 12 सेम स्टेप से एवरीवन 12 का स्क्वायर लिख दीजिए 144 थोड़ा सा चेंज है क्योंकि हम हमेशा जो स्क्वायर लिखते हैं वो हम टू डिजिट्स में लिखते हैं लेकिन यहां पर तो थ्री डिजिट्स आ गई तो क्या किया जाए कुछ नहीं वही स्टेप है सेम पहले आगे बढ़ो एक लिटिल चेंज है बहुत ही छोटा सा चेंज है जो आप सब लोग कर पाओगे तो अभी क्या करना है 112 प्लस 12 करना है ये तो हमारा स्टेप था ही, कि जो भी हमारा ये जो नंबर आता है उसको ले जाके हम अपने पुराने नंबर में क्या करते हैं ऐड कर देते हैं तो वही चीज आपको करनी है तो ये कितना हो गया हंड्रेड एंड ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व यू वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर इफ आई एम नॉट रॉन्ग राइट तो अब यहाँ पर लिखना है मुझे वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर बट एक छोटा सा चेंज अभी मैंने आपको क्या बताया था एवरीवन कि अभी हम जो स्क्वायर लिखते हैं नंबर का वो टू डिजिट्स में होता है तो इस वन को यहां भेज देंगे ये आपका हो जाएगा इसको हम एज अ कैरी कंसिडर्ड कर लेंगे तो जब आप इसको एज अ कैरी कंसिडर करोगे वन में क्या हो जाएगा ये वन ट्वेंटी प्लस वन हो जाएगा तो अभी ये क्या हो गया वन ट्वेंटी फोर प्लस वन 125 125 125 124 44 एज इट इज आ जाएगा तो इसमें आपका आंसर क्या हुआ वॉट इज योर एंसर एवरीबॉडी दैट इज वन टू फाइव डबल फोर समझ में आई बात कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट है मेरे को बताएं आई एम हियर टू क्लियर इट अप एवरी वन वन टू फाइव डबल फोर कैसे किया ये जो आपका कैरी आया है बच्चा पार्टी बस इस कैरी को ले जाके यहाँ पर एड करना होता है कैरी का काम क्या होता है कि वो आगे जाके एड हो जाती है बस वन ट्वेंटी फोर प्लस वन जो भी आपकी फर्स्ट डिजिट होती है यहाँ पर उसको आप ले जाके बस ऐड कर दोगे 125 आ गया तो हम क्या बोलेंगे व्हाट वी विल से दैट 112 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12544 ट्वेंटी दिस इज योर टन एवरी सिंपल इजी Clear हुआ। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं कोई कोई भी भी दिक्कत हो, हो, हो। आप पूछ सकते gonna love to clear it up. इसी के साथ का किस तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं वी कैन ब्रेक इट लाइक हंड्रेड प्लस एटीन कोई दिक्कत कोई डाउट है भाई बताओ मुझे अब क्या करेंगे वॉट इज द नेक्स्ट स्टेप एटीन का स्क्वायर कर लेते हैं हमें पता है 18 का square is what? That is 324. अब क्या करेंगे हंड्रेड एंड एटीन में ऐड कर देते हैं ये जो हमारा एटीन है इसको ले जाके हंड्रेड एंड एटीन में ऐड कर देते हैं तो वॉट वी विल बी गेटिंग हंड्रेड एंड एटीन प्लस एटीन यू विल बी गेटिंग है कुछ इसी तरीके का आएगा तो बस अब क्या करना है यहाँ लिख दो लिख देते हैं 136 अब ये जो थ्री है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा मतलब इसमें आपको थ्री को ऐड कर देना है ये कैरी फॉरवर्ड जब हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा एवरी वन वॉट यू गेटिंग ये आपका थ्री इसमें एड हो जाएगा यू विल बी गेटिंग वन तो हमारे पास आंसर क्या आया आंसर, आंसर इज 118 का स्क्वायर इज इक्वल टू वन थर्टी ट्वेंटी फोर दैट इज थर्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी For everybody and this is your answer. 20 से से भी कम लग रहा है everyone and we are able to solve this आप. हम इसको आराम सॉल्व कर पा रहे हैं, right? yes, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे हमें और बेटर चीजें समझ में आएंगी हमें लगे कि हाँ यार सच में आंसर ठीक आ रहा है वी आर गेटिंग द आंसर राइट सो लेट्स का स्क्वायर वी कैन ब्रेक इट लाइक हंड्रेड प्लस थर्टीन का स्क्वायर हमें पता है दैट इज वन सिक्सटी नाइन अब क्या करेंगे वन हंड्रेड थर्टीन प्लस कर देंगे यू बी गेटिंग एंड एंड एवरीबॉडी लेट्स राइट वन ट्वेंटी ये वन यहाँ पर एड हो जाएगा आपको मिल जाएगा वन ट्वेंटी सेवन सिक्सटी नाइन सो वी विल से वन थर्टीन स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेल्व थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन एवरी वन सिंपल सीधा सा तकलीफ कोई कोई प्रॉब्लम डाउट कोई है आप मुझे बता सकते हैं मैम विल गोना लव टू क्लियर अप योर डाउट सिंपल सीधी लेस देन ट्वेंटी सेकेंड्स में आंसर आया है हमारा लेस देन ट्वेंटी सेकेंड्स में वी गॉट आवर आंसर एवरीबॉडी राइट लेट्स मूव टूवर्स अन अदर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं अभी हम मोर देन बेस पढ़ रहे हैं अभी हम लेस देन बेस भी पढ़ेंगे कोई कहीं नहीं जाएगा अगर कोई नंबर सेवेंटी फाइव की रेंज में आ रहा है सेवनटी फाइव सेवेंटी सिक्स सेवेंटी सेवन अप टू हंड्रेड तो उसका स्क्वायर हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे ये जानना भी बहुत जरूरी है सो लेट्स मूव फर्दर एवरी वन हंड्रेड एंड फिफ्टी का आएम गिविंग यू दिस एज अ होमवर्क

लिख देते हैं फोर फोर्टी वन नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका नेक्स्ट स्टेप होता है ना वन ट्वेंटी वन में आपको ट्वेंटी तो जब आप वन ट्वेंटी 1 1, है लेट्स राइट हियर ये जो फोर है यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और जब ये यह यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हुआ अब क्या बचा इसमें एवरी वन वॉट यू हैव टू डू नाउ अब आप यहाँ पर ऐड कर दोगे एंड यू विल बी गेटिंग

कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम कोई डाउट है प्लीज प्लीज गो अहेड एंड आस्क आई एम हियर टू क्लियर अप ऑल योर डाउट्स ऑल योर क्लियर सॉर्टेड कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं कोई डाउट वाली बात नहीं चलो अब आई एम गिविंग यू दिस वन ट्वेंटी फाइव ऑल्सो एज एन होमवर्क एक बार लेस देन बेस भी डिस्कस कर लेते हैं कि लेस देन बेस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हाउ टू सॉल्व फॉर द लेस देन बेस वन ट्वेंटी इज योर होमवर्क लेट मी नो द आंसर इन द कॉमेंट्स बिलो एवरी वन ऑल राइट चल लेस देन बेस में क्या होता है वही सेम मेथड है बस हम वहां पर एड करते हैं जो भी हमारी एक्स्ट्रा वैल्यू होती है बेस के साथ यहाँ पर हमें सब ट्रैक करना होता है सिंपल तो अभी देखो क्या हो जाएगा ये uh, हम लिख सकते हैं 85 को वी कैन राइट एज 100 माइनस का 15 एवरीवन कोई दिक्कत कोई शक कोई डाउट नहीं है चलिए 15 का स्क्वायर हमें पता है दैट इज 225 कोई प्रॉब्लम नहीं अब क्या करेंगे 85 -15 क्यों अभी यहां पर हम हंड्रेड में माइनस कर रहे हैं ना अगर प्लस कर रहे होते तो नंबर में प्लस होता अगर माइनस कर रहे हैं तो नंबर में माइनस होगा सिंपल तो एट्टी फाइव माइनस फाइव विल गिव यू वॉट सेवेंटी टू सॉरी सेवेंटी

This is your answer, everyone. ये आप सभी लोगों का आंसर हो गया समझ में आया टू डिजिट नंबर हमें कैसे करना है कोई कंफ्यूजन चलो एक और करके देखते हैं एट्टी नाइन का स्क्वायर हाउ वी कैन डू एटी नाइन का स्क्वायर ईजी है कोई डिफिकल्टी हो जस्टॉप एंड आस आप सभी लोग अपनी नोटबुक में सॉल्व करें आई एम एक्सपेक्टिंग की आप सभी लोग भी अपनी नोटबुक में सोल्व करें एवरी बारी ठीक है तो एट्टी नाइन का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं वी कैन राइट इट एज हंड्रेड माइनस इलेवन कोई प्रॉब्लम विदाउट नहीं है चलिए हमें पता है इलेवन का स्क्वायर इज वॉट 121 अब क्या करेंगे वही सेम चीज 89 नाइन माइनस इलेवन जब आप 89 नाइन माइनस इलेवन करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा यू विल बी गेटिंग 78 एट एवरी लेट्स राइट 78 एट हीयर सेवेंटी एट को यहाँ लिख देते हैं ये जो वन है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा जब ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो आपको क्या मिला 89 का स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन and this is your answer everybody 7921 is absolutely your answer simple seedhi सीधी trick hai है hope you guys अच्छा लग रहा है समझ में आ रही है ट्रिक एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं ध्यान से देखें नाइनटी वन का square, हम इसको कैसे लिख सकते हैं हंड्रेड minus नाइन सिंपल नाइन का स्क्वायर हमें पता है एट्टी वन लेट्स राइट एट्टी वन हियर अब क्या करना है नाइनटी वन माइनस नाइन जब आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा यू विल बी गेटिंग एट्टी टू let's write 82 here and this is your required answer what yes everyone this is your required answer aapko kuch nahi karna hai koi rocket science nahi lagani hai so we will say 91 square is equal to 8281 everyone and this is your answer ta-da simple सीधा सा सवाल. i hope सबको समझ में आ रही है ट्रिक. you guys are enjoying in the trick

चलो बताओ समझ में आया कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आई एम गिविंग यू दिस एज अ होमवर्क ट्राई करना 96 का खुद से ट्राई करना हो जाएगा सॉल्व इट इज वेरी इजी एंड डू लेट मी नो द आंसर्स इन द कमेंट मेक श्योर कि जो भी वीडियोस आप देख रहे हो जो भी होमवर्क uh, मैं आपको दे रही हूँ सारे होमवर्क का आंसर आपको कमेंट में देना होता है 77 का स्क्वायर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस सेवेंटी का स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं 100 minus everyone. जल्दी से बताओ हम इसको कैसे लिख सकते हैं हंड्रेड माइनस ट्वेंटी थ्री अब क्या करेंगे We know 23 का square what? 23 का square कर लेते हैं हमें पता है ट्वेंटी थ्री का स्क्वायर इज फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी थ्री करके देखते हैं क्या आता है सेवेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी थ्री जब आप करोगे राइट हियर माइनस माइनस का यू 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 विल 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 बी बी गेटिंग गेटिंग गेट राइट राइट सो लेट्स द सेम अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ यहाँ पर थ्री डिजिट्स आ रही थी आपको क्या करना है ले जाके फाइव को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देना हो जाएगा यू विल बी गेटिंग एवरी बारी फिफ्टी फोर प्लस ट्वेंटी सेवन का स्क्वायर इज इक्वल टू फिफ्टी नाइन

Good job, very well इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं 79 का 79 का का हम कैसे करेंगे? How will calculate 79 का everyone, ध्यान से देखे. तो ये कितना हो जाएगा हंड्रेड माइनस ट्वेंटी वन एवरी वन कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम सिंपल सॉर्टेड अब क्या करना है वही सेम प्रोसीजर है आपका कुछ नहीं हमें पता है ट्वेंटी वन का स्क्वायर इज वॉट ट्वेंटी वन का स्क्वायर इज 441. अब 79 minus 21. गेटिंग? 8 एंड 58. लेट्स राइट 58 हियर. 4 को ले जाके एड कर दोगे और 58 plus 4 विल गिव यू 62. 62 41. 79 का स्क्वायर 62. 62 41. चलो बताओ क्लियर है कोई कंफ्यूजन है एवरीवन कोई डाउट है प्लीज गो अहेड एंड आस्क आई वुड लव टू क्लियर इट अप इजी इजी लग रही है ट्रिक आई गेस सबको इजी लग रही है ट्रिक कोई डिफिकल्टी नहीं है ट्रिक पे हम सबसे पहले स्टेप क्या है कि आप उसको बेस से ऐसे रिड्यूस uh, करो पहले अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो सब करो बेस लेकर चलो आफ्टर दैट जो भी आपका बेस के अलावा जो नंबर आ रहा है प्लस में या माइनस में उसका स्क्वायर करके लिख दीजिए एंड देन अगर वो नंबर ऐड कर रहे हो तो जो आपका ओरिजिनल नंबर नंबर है उसमें वो ऐड कर दो अगर नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो बेस में तो जो ऑरिजिनल नंबर है उसको ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दो हो गया एक बार ये काम आफ्टर दैट वॉट यू हैव टू डू उसके बाद अगर आपका थ्री डिजिट नंबर आ रहा है एज अ स्क्वायर तो लास्ट डिजिट को ले जाकर उसको कैरी फॉरवर्ड कर दो एड कर दो

एटी फोर सिक्सटी फोर टेन दिस इज योर आंसर एवरी वन ये आप सभी लोगों का आंसर हो गया सिंपल एंड सॉन्ट आई होप इट इज क्लियर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कोई डाउट वाली बात नहीं है सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है वेरी नाइस एवरी वन सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रिक आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो नाउ इट्स योर टर्न यू गाइज हैिविंग यू सम होमवर्क क्वेश्चन